Rolling and action. लो जी बेटर। हाय, पालक पनीर बनाने का मन कर रहा था। पालक पनीर, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स एक्चुअली नॉट दैट डिफिकल्ट। लाइक ऑल गुड थिंग्स, सिर्फ तीन चीज का खेल है, टेक्निक, प्रोपोर्शन और मैजिक। सो टेक्निक और प्रोपोर्शन मैं सिखा देता हूँ। मैजिक के लिए रोज सुबह उठ के 10 सूर्य नमस्कार करने पड़ेंगे। नॉट दैट डिफिकल्ट। हाँ, सबसे पहले प्याज चॉप कर लेता हूँ, बारीक, एज बारीक एज यू कैन, नहीं तो कद्दूकस कर लीजिए, ग्रेट कर लीजिए। अभी क्या, अदरक लहसुन, चॉप्ड अदरक, चॉप लहसुन। सो अदरक लहसुन हरी मिर्च। अभी क्या है ना, बहुत सिंपल है, अभी बस ये गया घी, थोड़ा सा तेल, जस्ट थोड़ा सा, सो दैट द घी डजंट बर्न, दैट्स ऑल। और ये रहे खड़े मसाले। देखिए, सब कुछ हिंदुस्तानी हो सकता है, पनीर हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। बिकॉज एज अ सोसाइटी हम दूध की इतनी पूजा करते थे आर्यव्रत समय से, कि दूध को फाड़ना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता था। अगर आप दूध को फाड़ते थे तो आपको गांव के बाहर निकाल दिया जाता था, क्योंकि गाय की और दूध की इतनी पूजा होती थी। तो ये जो दूध को फाड़ के पनीर बनाने का कल्चर है, ये एक्चुअली हमको सिखाया यूरोपियंस ने, टिपिकली पोर्चुगीज आए, उन्होंने चीज़ बनते देखी तो उन्होंने कहा भाई हिंदुस्तान में चीज़ बनाते हैं, तो चीज़ से छेना बना, जिसे जब चीज़ को छाना तो वो छाना या छेना हो गया। उसके बाद वहीं से पनीर की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई। पनीर के जो वर्जन हैं, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग वर्जन लगता है टर्किश। उसका टर्किश में पनीर को पनीर बोलते हैं, PENIR, पनीर। वो क्या करते हैं, पनीर बनाते हैं और उसको नमक के पानी में छोड़ देते हैं, तो ऐसे पनीर जल्दी खराब हो जाता है। तो नमक के पानी में डाला हुआ पनीर बहुत समय तक चलता है और हल्का सा हार्ड हो जाता है, बट देन इट लास्ट लॉन्गर। सो रिमेंबर टू ट्राई आउट द पनीर इफ यू आर अ वेजिटेरियन एंड यू गोइंग टू टर्की। अगेन, गार्लिक एंड क्यूमिन आर एसेंशियल एलिमेंट्स, बिकॉज चाहे इंडियन खाना हो, वेस्टर्न खाना हो, अरेबिक खाना हो, क्यूमिन और गार्लिक और स्पिनच का जो कॉम्बिनेशन है, इट्स डिवाइन। द गार्लिक हैज़ टू बी लाइटली टोस्टेड, वो भुने हुए गार्लिक का नोट आना बहुत ज़रूरी है पालक पनीर के अंदर। अगर नहीं आ रहा है तो आई ऑलवेज से कि थोड़ा सा गार्लिक लेके उसको ब्राउन करके ऊपर से डाल दो। ये हींग दूसरी तरफ, अभी थोड़ा सा ना ये धनिया मैं भून के क्रश करके रख लेता हूँ। नाइस, अभी लाइट ब्राउन हो गया ना प्याज, जैसे लाइट ब्राउन हुआ वैसे मसाले डाल दूंगा। मसालों में हल्दी, धनिया, लाल मिर्च। अभी क्या है ना, सवाल वही है कि भाई रेस्टोरेंट जैसा पालक पनीर, तो रेस्टोरेंट जैसा पालक पनीर के लिए सबसे पहले तो कसूरी मेथी बड़ी ज़रूरी है, और इसी स्टेज पे डालनी है जब मसाले भुन गए हों और टमाटर डालने वाले हों तब। इसके बाद कसूरी मेथी की खुशबू आ गई, फिर टमाटर। एक तो ये ट्रिक है टू मेक इट रेस्टोरेंट स्टाइल, ठीक है। अभी ना थोड़ा सा पानी, और ताकि टमाटर जो है वो गलना शुरू हो जाए। सो मैं हमेशा थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा हमेशा चॉप पालक अपनी ग्रेवी में डालता हूँ, पालक प्यूरी के साथ साथ। जितना बारीक चॉप कर सकते हैं उतना बारीक, हाँ, ताकि पालक का जो है टेस्ट आए, लेकिन ज़्यादा मुंह में बड़े बड़े पीस ना आए। चाहे वो साग गोश्त हो, साग चिकन हो, साग पनीर हो, पालक पनीर हो, इस सब की उत्पत्ति का थॉट बड़ा सिंपल था। इस सब की उत्पत्ति का थॉट ये था कि बहुत सारी हरी चीज़ें जो खेतों में उगती थी वो ली जाती थी और एक साथ एक पॉट के अंदर डाल दी जाती थी। तो अगर पालक, सोया, और एक समय ऐसा था जब 18-19 हरी चीज़ें डाली जाती थी और एक साग बनाया जाता था। एवरीथिंग दैट वॉज ग्रीन वॉज पुट विद द मीट टू कुक विद द मीट। और ये जो ओरिजिन है, दैट इज़ द ट्रू ओरिजिन ऑफ साग मीट, साग पनीर और लेटर। और जब मीट और ये ग्रीन साथ में पकते थे तो ऑटोमेटिकली व्हाट केम आउट वाज दिस वर्जन ऑफ अ ब्यूटीफुल साग पनीर। बट धीरे धीरे ग्रीन्स की सप्लाई कम होने लग गई, हम लोग खेतों के बाहर जाने लग गए, बाजार में सबसे ईजिली मिलने वाला और आसानी से उगने वाला ग्रीन बच गया पालक। तो पालक को लिया गया और इसी कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करके
पालक पनीर वॉज क्रिएटेड. दैट मोर लेस इज द हिस्ट्री ऑफ साग पनीर, पालक पनीर, मोर लेस दैट्स वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम. नाइस. कसूरी मेथी का मैजिक है. एंड हियर वी गो. वाह भाई वाह, मजा आ गया. खुशबू आ गई, रेस्टोरेंट वाली खुशबू आ गई. अभी ये धनिया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ना, भुना हुआ धनिया है और ज्यादा नहीं पकाना है. इसके लिए मसाला रेडी होने के बाद डाला है मैंने. अभी पानी, थोड़ी सी क्रीम और ये गई पालक. वेरी नाइस. अच्छा पालक इज प्री कुक ना, तो ऐसा तो है नहीं कि पालक जो है वो पका नहीं हुआ है, ऑलरेडी ब्लांच किया हुआ है, बॉईल किया हुआ है, बॉईल करके पेस्ट किया हुआ है. तो ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, बस इतना है कि एक बार जो मसाला है वो एक बार पालक में बराबर रच जाए, दैट्स ऑल. आह ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. बस ये है कि इसको चलाते रहना, क्योंकि एक बार इसके बबल्स होंगे, फिर बबल फटेंगे, सब तरफ ऐसे जंग का मैदान हो जाएगा. ये जैसे ये अभी हो रहा है, कपड़े कुपड़े सब गंदे हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे रणवीर ने बताया. ये थोड़ा सा पार्ट मेहनत वाला है, मेहनत नहीं एक्चुअली सब्र वाला है, क्योंकि पालक ना उसमें एक देयर इज अ रॉनेस इन पालक, एंड फॉर द रॉनेस टू गो द ऑयल हैज टू कम अप. फिर तेल ऊपर नहीं आएगा, फिर स्वाद नहीं आएगा, फिर स्वाद नहीं आएगा. थोड़ा सा जायफल ग्रेट करके डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा, कि मतलब पता चले भी के डाला है और पता ना भी चले के डाला है. और एक और रेस्टोरेंट स्टाइल ट्रिक है ये सारी, ये तो मैं किसी को नहीं बताता, पहली बार बता रहा हूँ. एक बूंद, ये एक बूंद केवड़ा, बस सिर्फ एक बूंद. तो मतलब अपनी खुशबू किसी की नहीं आएगी, लेकिन दैट राउंडेडनेस विल कम फ्रॉम केवड़ा एंड नटमेग, जो द फ्लेवर दैट गोना गेट राउंडेड, राइट, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पालक पनीर. चलो भाई चेक करें, नमक मिर्च और पनीर डाल दें और कहानी खत्म. वाह भाई वाह, मजा आ गया. डन, नाइस. ठीक है ना, ये आ गया पालक पनीर. क्योंकि मैं इसको यहाँ पे नहीं छोड़ सकता ऐसे, इसके लिए थोड़ा रोगन बना के रखता हूँ. जिंजर जूलियंस, बस तेल गरम हुआ, ये गई लाल मिर्च. एक ड्रॉप केवड़ा. थोड़ी क्रीम एंड वी आर डन. डन ना? नहीं नहीं ऐसे कैसे डन, अभी तो वो धनिया दो दो पीस. नाउ वी डन.